नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बिहार में ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र के बारे में। मैनुअली ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत रिवर्स, लैक्स, वेटलैंड्स, वाटरफॉल्स और कई विभिन्न जलकुंड यानी हॉट स्प्रिंग को शामिल किया जाता है। इस नदी से निकाली गई नहरों और ट्यूबवेल्स, तालाब एवं कुओं के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में सिंचाई की जाती है। बिहार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। मूल रूप से यह नदी भागीरथी के नाम से गंगोत्री हिमनद जो उत्तराखंड में है वहां से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। बिहार में इस नदी की लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है, हालांकि भारत में इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में यह नदी पश्चिम से पूर्व के क्रम में बक्सर, भोजपुर, भागलपुर तथा कटिहार जिलों से प्रवाहित होती है। यह नदी चौसा के पास बिहार में प्रवेश करती है तथा कटिहार एवं साहेबगंज के बीच सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। बिहार में इसमें बाई ओर यानी उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियों में घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, महानंदा प्रमुख है। इसमें दाई ओर यानी दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में सोन, क्रमनासा, पुनपुन तथा क्यूल नदी है। तो गाइस, वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।